माँ बाप सबसे बड़ी गलती कौन सी करते हैं उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। कई सारे माँ बाप आते हैं कि बच्चा ऐसा है, बच्चा वैसा है, बच्चे को दोष देते हैं, ब्लेम करते हैं, बच्चा अपने मन से कुछ करता नहीं है, उसको पीछे लगना पड़ता है, उसके पीछे लगना पड़ता है नहाने के लिए, उसके पीछे लगना पड़ता है कपड़े पहनो, उसके पीछे लगना पड़ता है स्कूल में जाओ, ऐसा मतलब पीछे लग लग के, पीछे लग लग के उसको कुछ भी जवाबदारी दिया तो जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं रहता है, बस कुछ भी बोला तो भी बोलता है कि नहीं मुझे मोबाइल दो और या टीवी के सामने बैठे रहेगा, और इस तरह से उनकी कंप्लेंट रहती है। मैं बोलता हूँ कि भाई देखो, आपने बच्चों को मेरे पास में लाया कि बच्चों को सुधारो, मैं बच्चों को सुधारूंगा नहीं, मैं पहले माँ बाप को सुधारूंगा। बोले कैसी गलती हो गई हमारी, क्या किया हमने? बोले देखो मैं आपको बता समझा के एक स्टोरी में सुनाता हूँ। दो लड़के रहते हैं, एक है राम और एक श्याम। दोनों क्या करते हैं, आजू बाजू में रहते हैं, अपने घर के सामने वो पौधे का बीज बोते हैं दोनों भी अपने अपने। तो राम जो है वो बहुत ही केयरफुल, बहुत ही सिंसियर, बहुत ही परफेक्ट ऐसा लड़का रहता है। तो वो वहाँ बीज बोने के बाद में रोज जाता है, रोज देखता है, रोज उसको पानी डालेगा, खाद डालेगा, उसकी केयर करेगा। और शाम जो है वो ऐसा बेफिक्र रहता है, ज़्यादा उसकी चिंता नहीं करता, मगर देखता है कि वो जो पौधा लगाया था वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको एक दो दिन जाके देखना है, पानी डालना है। वो धीरे धीरे जमीन के बाहर भी आया तो राम बहुत केयर लेता था, उसने उसको मतलब कवर भी कर लिया कि भाई कोई जानवर ना खाए। इसने बोला ठीक है, हो जाएगा, जो हो जाएगा देख लेंगे, मतलब इस तरह का उसका था। क्या हुआ, एक दिन बहुत बड़ी आंधी तूफान आया, बहुत बारिश हुई, और उसमें राम ने जो लगाया था पौधा, वो जो जमीन के बाहर काफी आया था आधा एक फुट, वो उखड़ के निकल गया, बह गया। और शाम का जो पौधा लगाया था वो आधा एक फुट जो था ऊपर आया हुआ, वो वैसे के वैसे खड़ा था, उसको कुछ नहीं हुआ। अभी हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, जब दोनों ने एक ही दिन पौधा लगाया था, शाम का टिक गया आंधी तूफान बारिश में और राम का निकल गया। क्यों, क्या हो गया था कि राम ने जो पौधा लगाया उसकी वो बहुत ज्यादा केयर कर रहा था, और बहुत ज्यादा केयर किया तो क्या हो गया, उसको पूरा आयता मिल रहा, रेडीमेड मिल रहा है, तो उसकी जड़ें जो थी पौधे की वो बहुत ज्यादा जमीन में अंदर घुसी नहीं थी, ऊपर ही ऊपर थी। जैसे तूफान आ गया वो निकल के पौधा उखड़ के निकल गया। शाम का क्या था कि शाम उसको वो देखता नहीं था, तो नेचुरली वो पौधे को अपनी जो जड़ें है वो अंदर तक घुसानी पड़ी जमीन में, तो काफी वो अंदर घुस गई थी क्योंकि उसको पानी चाहिए था, पानी जमीन से मिलने वाला है, सक करने वाला है, तो उसकी जड़ें काफी मजबूत भी हो गई, ज्यादा भी हो गई और अंदर भी गई। परिणाम क्या हुआ कि वो आंधी तूफान में वो पौधा कुछ उखड़ नहीं गया। इस पर से आपको क्या समझ में आ रहा है कि आप जितने बच्चों की ज्यादा केयर लेते हो, जितना बच्चों को रेडीमेड देते हो, उतना उनकी खुद की मसल्स बिल्ड नहीं होती, वो वीक हो जाते हैं। जितना आप जल्दी दे देते हो तो उनका फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस जो है वो बढ़ता नहीं है, उनको रहा नहीं जाता, जो चाहिए वो तुरंत होना है क्योंकि बाप जल्दी लाके देता है, माँ जल्दी लाके देंगी, तो फिर उसमें नुकसान आप बच्चों का कर रहे हैं, उनको बड़ा नहीं होने दे रहे, उनको जिम्मेवार नहीं होने देते, उनको पक्का नहीं होने देते। माँ बाप को क्या लगता है कि हमको जो नहीं मिला है बचपन में उनको दे दो, और सब चीजें लाके देंगे, सब उनको जो रेडीमेड है वो लाके देंगे, जो उन्हें मुंह से निकालते वो देंगे, तो उनको खुद को उसके लिए कुछ करने की ताकत डेवलप नहीं होती उनमें खुद में, रेडीमेड मिलता है। और फिर जब बड़े होके उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम आएंगे तो क्या होगा, उखड़ के निकल जाएंगे, फेंक दिया जाएगा उनको। तो आप यदि बच्चों को रिस्पॉन्सिबल नहीं बना रहे, उनको जल्दी से जल्दी जो चाहिए वो फटाफट दे रहे, उनको खुद को डेवलप नहीं होने दे रहे, सब रेडीमेड दे रहे, तत्काल दे रहे, तो ऐसे इसमें आप बच्चों का नुकसान कर रहे। तो एक ही बात है कि बच्चों को यदि हेल्प करना है और बड़ा होने देना है तो बच्चों को हेल्प नहीं करना है, और वही सबसे बड़ी हेल्प है। तो ये आप करेंगे, बच्चों को बड़ा होने देंगे, बच्चों को अपने पैर पे खड़े होने देंगे, पैर मजबूत जमीन के ऊपर वो गाड़ सकेंगे, खड़े रह सकेंगे, ताकि कितना भी बड़ा आंधी तूफान के जीवन में आ गया तभी वो आगे चल के मजबूत होकर उसका सामना कर सकेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर उसको शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।